प्रशासन उसको रोकने की कोशिश करेगा। आप उसको बता दें कि भारत सरकार का ये रेट है 1975 रुपए गेहूं का रेट है, 1700-1800 रुपए मक्का का रेट है, 1800-1850 रुपए धान का रेट है। प्रधानमंत्री ने कहा कि मंडी के बाहर कहीं पे भी बेच लो, ये थानों में भी बिक सकता है, सरकारी थाना है तो थानों के अंदर बेचने का काम करेंगे। जो भी विभाग रोकने का काम करेगा उस विभाग को वो फसलें खरीदनी पड़ेगी। ये आंदोलन की यहां से शुरुआत होगी। वे वहां पर रोकने की आपको कोशिश करेंगे कि दिल्ली की तरह पटना को भी एक दिल्ली बनाना पड़ेगा हमको। उस दिन इस आंदोलन की शुरुआत हो जाएगी। जिस तरह से पंजाब के लोग दिल्ली के अंदर आए, हरियाणा के अंदर आए, उत्तर प्रदेश के लोग आए, राजस्थान और मध्य प्रदेश के लोग दिल्ली में अपने ट्रैक्टरों के साथ में आए, उनको दो दिन लगे आने में, पूरे उनको दो दिन से भी ज्यादा बैरिकेडिंग हटाने में लगे, बड़े बड़े पत्थर ट्रैक्टरों से हटाने में लगे, बैरिकेडिंग हटाने में लगे, सड़कें एनएच को नेशनल हाईवे को राजा उसकी हरियाणा की सरकार ने खोद दिए, नहरें वहां पे खोदी, उसमें मिट्टी भर के जो वो ट्रैक्टर जो वो काफिले पंजाब और हरियाणा के लोग आगे बढ़े, उनको चार महीने से भी ज्यादा हो गए, दिल्ली को चारों तरफ से घेर कर रखना है। जब पूरे देश की राजधानी गिरेगी, यह आंदोलन ऐसे ही खत्म नहीं होगा, क्योंकि अगर किसी पार्टी की सरकार होती तो जरूर बातचीत हो जाती। देश में किसी पार्टी की सरकार नहीं है, देश में कंपनियों की सरकार है और कंपनी कभी भी बात नहीं करेगी। ये वही कंपनी है जो भूख के आधार पर देश में रोटियों की कीमतें तय करना चाहती है। आप अगर जाकर देखोगे इन कंपनी के जो रेस्टोरेंट है, आप उसमें जरूर देखना, मैकडोनाल्ड्स, केएफसी, जो बड़ी बड़ी फूड चेन है, उनके वहां पे जब शाम को भोजन वो पूरा बंद करते हैं ये अपना सेंटर, अगर इनकी क्लोजिंग रात को 9 बजे है तो 9 बजे के बाद में किसी को खाना नहीं देते, तो जो बचा हुआ खाना है ये अपने कर्मचारी को भी नहीं देते। इनकी जानकारी करी है इनकी हमने, उन्होंने कहा कि नहीं, बचा हुआ भोजन कर्मचारी को नहीं देना, बचा हुआ भोजन जब फ्री हो जाएगा कूड़ादान में गुलाब, और इसमें 8 गुलाब जामुन है और 2 गुलाब जामुन रात के 8 बजे ग्राहक ने खा गया और 6 गुलाब जामुन उस डब्बे में बची तो वो डस्टबिन में जाएगी, वो दूसरे कर्मचारियों को खाने के लिए फ्री में नहीं दिया जाएगा। ये फूड चेन आएगी, हमको इसका विरोध करना है। इसका वॉकबार जैसी कंपनी आ रही जिसके पास में 10,000 से भी ज्यादा पानी के जहाज हैं, वो एक देश का अनाज उठा के दूसरे देश के में अनाज फेंकने में उनको 15 से 20 दिन और महीना लगता है। उनका पहला टारगेट है कि साप्ताहिक बाजार बंद होंगे, ये एग्रीमेंट भारत सरकार से वे कर रहे हैं। क्या साप्ताहिक बंद जो बाजार बंद होंगे उनसे क्या कितना नुकसान होगा? जो 2 रुपए की कंगी और 5 रुपए का संदूर और वे कंगन बेचते हैं 2-2, 5-5 रुपए के, वे जो खिलौने बेचते हैं 5 से 6 और 8 रुपए का, जब वे साप्ताहिक बाजार बंद हो जाएंगे वही चीज मोल में जाके 100 रुपए से ज्यादा की होगी। ये करीब 60 लाख करोड़ रुपए का ये व्यापार है, इस खुदरा व्यापार पर वे कब्जा करना चाहते हैं और उसमें 4.5 करोड़ लोग
उस व्यापार से जुड़े हुए हैं, वे बर्बाद होंगे, बेरोजगार होंगे। तो ये बहुत से सवाल हैं। ये खाली किसानी का इशू नहीं है, ये मेरे नौजवान का इशू भी है, जिनको बताया गया था कि रोजगार मिलेंगे, 2 करोड़ रोजगार हर साल मिलेंगे। वे रोजगार तो नहीं मिले, अगर उसने रोजगार की तलाश अपने खेत में करी तो उस खेत को छीनने का काम करा जा रहा है। हमको अपने खेत से ही रोजगार तैयार करने पड़ेंगे, बाहर कोई रोजगार अब नहीं है। अभी गुजरात में गए, 2-3 दिन पहले हम गुजरात से आए, साबरमती आश्रम गए, महात्मा गांधी जी जहां पर रहे, सरदार वल्लभ भाई पटेल के गांव गए, उनके आश्रम में गए, बागडोली गए, वहां पे एक सभा को संबोधित करा, वहां के किसानों से मिले। लेकिन गुजरात में भी किसी पार्टी की सरकार नहीं है, गुजरात है पुलिस की स्टेट, वहां पे पुलिस का राज है। देश में एक पहला राज है कि जहां पे पुलिस का राज है, जनता को बोलने की कोई आजादी नहीं है। 60 गांव की जमीन ली, रिलायंस कंपनी को दे दी, आम की खेती करती है। मुंबई में रहने वाली कंपनी गुजरात के गांव में खेती करेगी, उसको फायदा होगा। जो गुजरात के उसी गांव के किसान थे, वे खेती करते थे, उनको घाटा था। हम उसी जो मैथ का टीचर है उसको देखने गए थे कि जो मैथ का टीचर है जो मुंबई में रह के खेती गुजरात में करता है, उसकी कौन सी पॉलिसी है, कोई बोल नहीं सकता। जब गुजरात के लोग वे किसान हाईकोर्ट में गए, हाई कोर्ट से जीत गए, कंपनी सुप्रीम कोर्ट चली गई, जब सिंगल बेंच में गए तो किसानों को हराया गया, वही जज डबल बेंच में आया, उसी जज ने डबल बेंच में किसानों को हराया, वही जज तीसरी बेंच में गया, किसानों ने विरोध करा, उसी जज की पोस्टिंग हुई और वहां पे किसानों को हराने का काम करा गया। तो कोर्ट से कोई किसानों को फायदा होने वाला नहीं है। एक ही जज 3-3 फैसले सुनता हो, हरा के फिर हराता हो, फिर हराता हो, क्योंकि इनको भी एक पॉलिटिकल चस्का लग गया है। देश में कोई सरकार आएगी ऐसी, कोई एजेंसी आएगी, ये जो पॉलिटिकल लाभ लेते हैं, इनके 5-5 साल का कार्यकाल जरूर देख लिया जाए। जो एमपी बनते हैं, जो राज्यसभा में जाते हैं, जो अपने पदों का दुरुपयोग करते हैं, इनकी जांच होगी, सब ये सब जेल में जाएंगे, जेल में। ये आंदोलन आपको करने पड़ेंगे, ये जन आंदोलन है, जन क्रांति है। अगर आप आंदोलन नहीं करोगे तो आने वाली पीढ़ी आपकी आंदोलन नहीं कर सकती, क्योंकि जब तक तो ये पूरी जमीन व्यापारियों के कब्जे में चली जाएगी। 2013 का भूमि अधिग्रहण एक्ट बना, उसकी स्टैंडिंग कमेटी की चेयरमैन थी सुमित्रा महाजन, जो बीजेपी की एक बड़ी लीडर थी। सरकार कांग्रेस की थी, सारी पार्टी और सारे देश के किसान संगठनों ने मिलकर एक नया भूमि अधिग्रहण एक्ट बनाया। जब बीजेपी की सरकार आई तो 3 बार राष्ट्रपति के पास में ऑर्डिनेंस के माध्यम से इसके चेंज करवाने की कोशिश करी गई। पूरे देश में विरोध हुआ और उसकी हालात अब यह कर दी कि अब स्टेटों को उसकी जिम्मेदारी दे दी कि आपको जो भी फैसले इसमें संशोधन करने हैं, स्टेट इसमें वे संशोधन कर सकते हैं। उसी भूमि अधिग्रहण में स्टेटों ने अपनी कुछ चेंज करे, इसमें
और जमीन हड़पने का काम करा जा रहा है, क्योंकि टारगेट ये है कि बड़े जो कॉर्पोरेट फैमिली है, जो बड़े घराने हैं, उनको देश में जमीन देनी है। कोई ये नहीं कि 10 एकड़ जमीन, 20 एकड़ जमीन, एक गांव की जमीन नहीं, जैसे ब्राजील में है। ब्राजील में जितना बड़ा बिहार है, दो आदमी के पास में पूरी जमीन है, इतनी जमीन उनको चाहिए। तो इसी तरह के ये घराने हैं, इनकी कोई लिमिट नहीं है कि कितने जमीन पे इनका अधिकार होगा। ये पूरे देश की जमीन लूटने का काम करेंगे। इनका काम होगा जैसे 100-150 साल पहले राजा पद्धति थी कि राजा वो बड़ा होता है जिसके पास में गोदाम जाता होंगे, अनाज जिसके पास में जाता होगा, वो ही बड़ा राजा होगा। यही पद्धति आज चली कि गोदाम बना लिए, इन्होंने बहुत बड़े बड़े गोदाम बने और देश में कानून बांधवाए। इसका मतलब यह हुआ कि गोदाम बनने से पहले देश में कानून नहीं आए, गोदाम पहले बनाए गए और कानून बांधवाए। प्रधानमंत्री के कार्यालय तक व्यापारी जो बड़े घराने हैं, जो कंपनियां हैं, उनकी पहुंच है। ये लड़ाई आपको लड़नी पड़ेगी और आंदोलन की लड़ाई की शुरुआत इस किसान को करनी पड़ेगी, क्योंकि जीवन में सबसे प्यारी चीज अगर किसी आदमी को होती है तो होता है, अगर किसी का तीन लड़की भी होगी तो कहेगा कि मेरा लड़का नहीं हुआ। सबसे प्यारा लड़का होता है, पुत्र होता है सबसे प्यारा। लेकिन कोई एक किसान जो यहां पर बैठा, अपने जीते जी किसी ने अपने लड़के के नाम अपनी जमीन करी, कोई एक आता होगा, मजबूरी बस करते होगी, जमीन नहीं करता नाम, वो मरते दम तक भी 100 साल की उम्र में भी अपने लड़के के नाम जमीन नहीं करता। वो कहता है कि ये लड़का है ना, जमीन बेच लगा। लेकिन ये कंपनी आपकी जमीन हड़पना चाहती है, आप कैसे घर में सो गए? आपको आंदोलन करने पड़ेंगे। पुलिस फोर्स के लोग आपको डराने का काम करेंगे। आप जहां पे मीटिंग करोगे, मैं एक दिन पहले आपको मीटिंग की परमिशन देंगे। किसान संगठन कोई परमिशन लेने की जरूरत नहीं है। आप अपना प्रेस में ज्ञापन दो कि हमारी मीटिंग यहां पे है, आप अपनी मीटिंग करो। जिनके खिलाफ आप आंदोलन कर रहे हैं, वे आपको परमिशन देंगे। ये धाराएं 144 लगेंगे। भारतीय किसान यूनियन की धारा 288 है, हम वो धारा का इस्तेमाल करते हैं, 288 लगाते हैं वहां पर। हमने कोई परमिशन नहीं ली 35 साल से। इन परमिशनों के चक्कर में आप पड़ोगे तो आप वही रहोगे, आपकी मीटिंग ये करने नहीं देंगे कभी भी। जब आप आंदोलन ट्रैक्टर से करना शुरू कर दोगे, पूरे बिहार और पूरे देश के किसानों को जगाना पड़ेगा। इसमें 5 साल लगे हमको आंदोलन, ट्रैक्टर का आंदोलन लाने के लिए। पहले लोग शर्माते थे, जो नौजवान था वो शर्माता था ट्रैक्टर चलाते हुए, और आज ट्रैक्टर उसका स्टेटस सिंबल बन गया है, ट्रैक्टर किसान का। दिल्ली में गए 26 तारीख में, 26 जनवरी को 3.5 लाख ट्रैक्टर थे, 26 जनवरी को 25 लाख आदमी थे, 3.5 लाख ट्रैक्टर दिल्ली की चमचमाती सड़कों के ऊपर चले। वे धोखे में फंसाना चाहते थे किसान या पुलिस फोर्स ने, वो एक षड्यंत्र था। ये लाल किले पर जाएंगे, ये कुछ ना कुछ लोग करेंगे। जिन लोगों को, जिन बच्चों को लाल किले के ऊपर लेकर गया, उनसे पहले ही साठगांठ होगी कि आप लाल किले पर जाना, वहां पे ध्वज फैला देना, जिससे एक कौम को, एक किसान बिरादरी को बदनाम करा जाए। अरे किसान जाएगा तो पार्लियामेंट पर जाएगा, कहेगा जाएगा, आप रोकना किसान को। वे 25 लाख आदमी भी वही हैं और वो टैक्सर भी वही हैं, वो किराए भाड़े के नहीं थे। जाएगा ये गलत फहमी निकालते अपने दिमाग से।
क्या क्या अब कानून आ रहे हैं वो और जरा समझ लो। आपकी जमीन छीनने के प्लान बन रहा है बड़ा, अभी आएगा एक सीड बिल, 20 विधेयक, 20 कानून। अगर आंदोलन न चलता तो पार्लियामेंट सेशन चल रहा था, उसमें आना था। देश में नए थाने खुलेंगे पुलिस के, जो 20 के थाने होंगे, जो सीड के पुलिस स्टेशन होंगे 20 के थाने। आपने कभी सुना है? पुलिस वालों ने भी अभी नहीं सुना होगा कि 20 के भी थाने खुलेंगे। एक थाना होता था वो हमने जरूर सुना, उसके बाद में महिलाओं पर अत्याचार हुए तो महिलाएं थाने खुले, बिजली के थाने खुले, अब 20 के नए थाने खुलेंगे देश में अगर वो बिल आ जाता है। किस कंपनी से आपने बीज खरीदा, वो बीज आपने बोया या आपने दूसरी जगह से कहीं से बीज बोया? बीज रखना गांव में अपराध होगा। आप बीज का आदान प्रदान नहीं कर सकते बगैर कंपनी के। जैसे शराब, शराब ले लो, शराब बहुत खराब चीज है, लेकिन अगर सरकारी दुकान है तो उसमें बहुत बढ़िया चीज है, आप वहां से खरीदो पी लो। लेकिन अगर आपने घर में रख ली तो शराब बहुत खराब चीज है, उसका कानून बना हुआ है, आपके ऊपर केस रजिस्टर होगा। यही बीज का कानून होगा। अगर आपके घर में बीज रखा हुआ मिल गया, आपने किसी को बीज बेच दिया तो वो अपराध है। ये बीज कानून है, इसकी सीधी मोटी भाषा ही है। उसमें सजा और जुर्माना दोनों है। दूसरा आ गया है बिजली अमेंडमेंट बिल 2020। उसमें एक, अगर किसी के पास में 2 पशु गांव में है तो उसको कॉमर्शियल कनेक्शन लेना पड़ेगा, व्यापारिक कनेक्शन बिजली का। ये एक बिजली का कानून आ रहा है। अभी आपके यहां पे भी 15 साल से ज्यादा अगर किसी के पास में ट्रैक्टर है तो अवैध है, आप उसको चला नहीं सकते। ये देश में एनजीटी का कानून आ गया है। जो दिल्ली के आसपास है उसमें 10 साल से पुराना डीजल इंजन, ट्रैक्टर, पंपिंग सेट आप नहीं चला सकते, लेकिन बिहार और पूरे देश में 15 साल से ज्यादा अगर इंजन, डीजल इंजन, पंपिंग सेट, ट्रैक्टर, गाड़ी आपके पास में है तो आप उसको नहीं चला सकते, वो इलीगल है। दूध का एक एग्रीमेंट भारत सरकार विदेशों से कर रही है, अगर वो आएगा तो पूरा दूध का सेक्टर, पूरी डेयरी हमारी खत्म होगी। और जो अमूल जैसी डेयरी है उसने कहा कि 17 रुपया लीटर अगर भारत सरकार हमको सब्सिडी देगी तो ये हमारी डेयरी सेक्टर बच सकता है, नहीं तो डेयरी सेक्टर नहीं बचेगा। तो जब इतने कानून आ जाएंगे तो किसानी बच सकती है। ये किसानी बचेगा, ये गांव बचेगा, ये नौजवान बचेगा जब सड़क पे आंदोलन होगा, जब सड़क से आवाज आएगी। और वो टाइम आ गया जब पार्लियामेंट, संसद से, जब संसद गूंगी और बहरी हो जाए, वहां से कोई आवाज ना आए तो उसके बाद में सड़क की आवाज सुनाई देगी। तो ये आंदोलन का टाइम आ गया कि आपको आंदोलन में हिस्सा लेना पड़ेगा, आंदोलन करने पड़ेंगे, ट्रैक्टरों से आंदोलन करने पड़ेंगे। जैसे हमारे जवान है वो टैंक से आंदोलन करते हैं, टैंक अपने सरहदों पर रखते हैं, किसान को ट्रैक्टर अपने खेत में रखना पड़ेगा, अपने देश की सड़कों पर रखना पड़ेगा, आंदोलन करना पड़ेगा। जो मेरे यूथ हैं, जो युवा है, उसको ट्विटर का सहारा लेना पड़ेगा। जब ही ये TTT से ही देश बच सकता है। जो युवा है वो ट्विटर चलाएगा, जो देश का नौजवान है जो गांव में रहता है वो ट्रैक्टर चलाएगा, और देश की सरहदों पर हमारा जवान टैंक चलाएगा। ये देश सब बचेगा। देश नहीं बचना, 26 बड़े संस्थान बिक गए हैं। ये कोरोना काल फिर लगेगा, जो कुछ बचा हुआ है वो अब बिकेगा। रेलवे बिकी, एयरपोर्ट गए, टेलीफोन गया, पेट्रोलियम गया, LIC गई, बहुत गए, बैंकिंग गए, ये बहुत संस्थाएं बिक रही है।
ये पूरा का पूरा सेल फॉर बिहार और सेल फॉर इंडिया जिसको खरीद रहा हूं, खरीद तो पूरा देश बिका हुआ है। तो इसके लिए आंदोलन ही एक सारा है। यहां पे आए आज रोहतास डिस्ट्रिक्ट में, यहां पे ये मीटिंग हुई। बाबू जगजीवन राम का ये स्थल है और इतनी बड़ी संख्या में आप लोग आए। आज किसान की फसल उसके खेत में है, आपका धन्यवाद। जो आयोजन करवाने वाले उनका धन्यवाद। आप लोगों को आंदोलन करना पड़ेगा, तिजोरी में रोटियों को बंद होने से बचाना पड़ेगा, अनाज को गोदामों से बचाना पड़ेगा। ये आंदोलन हमारा जब तक जारी रहेगा जब तक ये तीन कानून वापसी नहीं होते और एमएसपी के ऊपर कानून नहीं बनता, ये आंदोलन हमारा जब तक जारी रहेगा। और भारत सरकार और एलआईयू के लोग यहाँ पे होंगे, ये जरूर सुनवा दे खबर। लॉकडाउन लग जाए, कर्फ्यू लग जाए देश में, ये हमारे आंदोलन और धरने जो दिल्ली के चारों तरफ हुए ये खत्म नहीं होंगे। इनको शाहीन बाग मत मानना, ये आंदोलन हमारे जारी रहेंगे। और पूरे पुलिस फोर्स के लोग कर्मचारी 2004 के बाद में जो कोई भर्ती हो रही है तो उसकी पेंशन नहीं है, लेकिन हमारे एमपी एमएलए की पेंशन है। प्रधानमंत्री जी जरा एक बार मुझे नहीं कह दो कि जो आपने गरीब महिलाओं से उनका हक छीन लिया, इनके लिए भी बोलना चाहिए। जो एमपी एमएलए पेंशन छोड़ना चाहता हो, हमारे कर्मचारियों को पेंशन नहीं है और एमपी एमएलए को पेंशन है, तो ये दोगला कारोबार देश में नहीं चलेगा। या तो इनको भी पेंशन होगी और या उनको भी पेंशन छोड़नी पड़ेगी। यहाँ के पुलिस फोर्स के लोग हैं, आप कभी भी बिहार के जो पुलिस के जवान हैं, आपको कभी ये अपने घर पर नहीं जाने के सरकारी क्वार्टर में, आप कभी इनका क्वार्टर देखना जाके, दो चार पाई आएगी उसमें, अपने माँ बाप को भी ले जाते हैं, हिचकिचाते हैं, क्योंकि माँ बाप गांव में रहता है, खुली जगह में रहता है, वहां पर उनकी अम्मा बंधन में नहीं रह सकती। तो भारत सरकार को कहा, स्टेट गवर्नमेंट को, सबको लिख दे कि आप इनसे ड्यूटी नेपाल के बॉर्डर पर दिलवा लो, उत्तर प्रदेश के बॉर्डर पर दिलवा लो, ये अपने बच्चों को पढ़ाने का क्वार्टर बढ़ा कर दो, इनकी सैलरी बढ़ा दो। वर्दी का अगर 16,000 रुपए दिल्ली में पुलिस की वर्दी का भत्ता मिलता है, बिहार में 2,500 से 3,000 से ज्यादा नहीं होगा। क्या यहाँ पर कपड़ा सस्ता है? सबसे ज्यादा ड्यूटी देंगे फोर्सेस के लोग, 24-24 घंटे की ड्यूटी देंगे, लेकिन यहाँ पे आवाज नहीं इनकी कोई उठा सकता। ये हमारे ही परिवार से हैं, वो चाहे सरहद पर लड़ रहा हो या स्टेट पर लड़ रहा हो, ये किसान के ही परिवार से जाते हैं। तो इनकी आवाज, ये किसान संगठन बनेगा। जब जब भी भारत सरकार से बातचीत होगी, इनके जो मसले होंगे वे उठाए जाएंगे। टीचर से भी कम सैलरी इनकी है, कम से कम टीचर के बराबर तो इनकी सैलरियां दे दो, उनसे भी कम सैलरियां इनकी है। तो आपने बात को सुना, बहुत बहुत धन्यवाद। अगली मीटिंग यहाँ पे फिर रखेंगे, ध्यान के आदेश में रखेंगे।